रायगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। सीएम ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है। वहीं उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों, गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने कर्ज माफी के ऐलान का जिक्र करते हुए कहा कि कर्ज माफी से किसान मजबूत होंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा मुझे एटीएम कह रही है तो मैं एटीएम हूं जनता के लिए। गोबर बेचने वालों के खाते में पैसा जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने वालों के खाते में पैसा जाता है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एटीएम हूं, जबकि अमित शाह भाजपा के आरबीआई हैं। 15 दिन में बटन दबाया है तो गोपालक मन के खाते में पैसा गए, बटन दबाया है तो वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले बहनी मन के खाते में पैसा गए, हर महीना बटन दबाया तो हमारे बेरोजगार साथी मन के खाते में पैसा गए, हर 3 महीने में बटन दबाया तो हमारे मजदूर साथी मन पेकर खाते में पैसा गए, हर 3 महीने में बटन दबाए किसान मन के खाता में पैसा गए, और साल में तेंदू पत्ता तोड़ने वाला, महुआ बीनने वाला एकर मन के खाता में पैसा गए गए कि नहीं गए? ये 5 साल में 1,75,000 करोड़ रुपया तुम्हारे खाता में गए। अब बटन 17 तारीख के तुम मन दबाना है, कहां में दबाओ? हाथ उठा बताओ कहां में दबाओ?